आई एम बैक दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपनियों द्वारा आपके फोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के क्या क्या उपाय सुझाए गए हैं और फोन से संबंधित हो रही दुर्घटनाओं से आप कैसे बच सकते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। जो हाल दिल का। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। आपके फोन में लिथियम आयन बैटरीज लगी होती हैं, जिन्हें गर्म होने से बचाना बहुत जरूरी है। नॉर्मली फोन गर्म हो जाते हैं, लेकिन आपके फोन में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यदि वो गर्म होता है तो ठीक है, लेकिन यदि इससे ज्यादा गर्म होता है तो आपकी बैटरी को नुकसान होता है। आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि कंपनियों द्वारा बताया गया है कि आप अपने फोन को सीधे धूप से बचाएं। नॉर्मली हम कार चलाते वक्त फोन को डैशबोर्ड पर रख देते हैं, जहां पर डायरेक्ट धूप आ रही होती है। ऐसा ना करें, इससे फोन को नुकसान होता है। और यदि किसी और कारण से आपका फोन डायरेक्ट धूप में आता है तो उसे अवॉइड करें, उसे धूप में ना आने दें। इससे आपकी बैटरी लाइफ अच्छी होगी और फोन को या बैटरी को नुकसान भी नहीं होगा। भाई जादू। दोस्तों दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों प्लीज प्लीज अपने फोन को चार्ज करते वक्त इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसे कहते हैं पैरासाइटिक चार्जिंग। नॉर्मली यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो फोन की बैटरी है उसका जो फुल चार्ज का साइकिल है वो नहीं हो पाता। इससे फोन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हाई ग्राफिक्स गेम खेलते वक्त तो फोन को बिल्कुल चार्ज नहीं करना चाहिए। दोस्तों फोन के विस्फोट होने का ये भी एक कारण है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी फोन को चार्ज करते वक्त आप इस्तेमाल ना करें, हो सके तो एयरप्लेन मोड या स्विच ऑफ करके चार्ज करें। दोस्तों नॉर्मली जब हमारे फोन का चार्जर खराब हो जाता है तो हम दुकान से जाके कोई भी लोकल चार्जर ले लेते हैं, या हम घर में पड़ा किसी भी कंपनी का चार्जर अपने फोन में लगा के चार्ज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज ऐसा ना करें, ये बहुत खतरनाक है। दोस्तों ये जो दुकान पे लोकल चार्जर मिलते हैं, ये या तो आपके फोन को चार्ज करते ही नहीं है या हाई कैपेसिटी होने के कारण बहुत जल्दी से चार्ज कर देते हैं। दोस्तों ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऑप्टिमाइज भी बहुत जरूरी है। कंपनी जो चार्जर बना के देती है वो एक ऑप्टिमाइज्ड करंट देती है, यानी आपके फोन को कितना करंट चाहिए उसके हिसाब से वो चार्जर बना के देती है। और ऐसी स्थिति में यदि आप कोई लोकल चार्जर यूज कर लेते हो तो उसका ऑप्टिमाइज्ड ऊपर नीचे होता है, जिससे आपके फोन को नुकसान हो सकता है और विस्फोट भी हो सकता है। नहीं सच्ची। और आजकल तो क्विक चार्जिंग की टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप किसी अन्य चार्जर से अपने फोन को चार्ज ना करें। इसके अलावा एप्पल ने भी थर्ड पार्टी चार्जर इनका एक प्रोग्राम चलाया था, जिससे वो ये सुनिश्चित कर ले कि उनके कंज्यूमर कंपनी द्वारा दिया गया चार्जर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लीज आप बाहर का चार्जर इस्तेमाल ना करें, जो कंपनी से चार्जर आया उसे इस्तेमाल करें, और खो गया या खराब हो गया हो तो कंपनी का चार्जर ही लें दोबारा। दोस्तों एक बात और चल रही है कि जब आप नई बैटरी लें तो पहले उसे 100% चार्ज कर लें। दोस्तों बेकार की बात है, कंपनी पहले ही आपको बैटरी को पूरा चार्ज करके दे देती है। हाँ वो नई नई 40-30% होती है, लेकिन जो भी उसने करना होता है वो करके दे देती है। हाँ एक बात आप ध्यान रखें कि फोन की बैटरी पूरी खत्म ना होने दें, जब 10% रह जाए तब उसे तुरंत चार्ज कर लें, ऐसे आपके फोन की बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। दोस्तों अंतिम और बहुत जरूरी, हम क्या करते हैं, अपने फोन को पूरी रात चार्जिंग पे लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो ओवरचार्ज होने से खराब हो जाएगा। नॉर्मली फोन में ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि यदि वोल्टेज उसकी कैपेसिटी तक पहुंच गई है तो ऑटोमेटिक चार्जिंग लेना बंद कर देता है, परंतु पूरी रात चार्जिंग पे लगाना ठीक नहीं है। फोन को बाकी अन्य कई नुकसान हो सकते हैं। पहली बात तो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है, दूसरा फोन की बैटरी लाइफ तो कम हो ही जाती है और फोन को भी कई नुकसान हो सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि पूरी रात फोन को चार्जिंग पे ना लगाएं। तो दोस्तों मैं रिवाइज कर देता हूं, फोन को गर्म होने से बचाना है, फोन को चार्जिंग के वक्त इस्तेमाल नहीं करना है, फोन को किसी अन्य चार्जर से चार्ज नहीं करना है, फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म नहीं होने देनी है, 10% रह जाए तो चार्ज कर लीजिएगा, और लास्ट फोन को पूरी रात चार्जिंग पे लगाने से बचें। दोस्तों एक ताऊ साइकिल चलाते चलाते बुढ़िया में दे मारता है। बुढ़िया कहती है रे बुड्ढे घंटी नहीं मार सकता। ताऊ कहता है रे बुढ़िया सारी साइकिल दे मारी, अब घंटी अलग से मारूं।